अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 19 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओपनिंग द शैंपेन, वो कहते हैं जब हम शैंपेन की बोतल खोलते हैं, जो पॉकेट ऑफ द गैस होती है, जो प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लिक्विड और कॉर्क के दरमियान में उसका प्रेशर 5 एटमोस्फेरिक होता है। वो कहते हैं जब आप कॉर्क को पुल करते हैं बॉटल से, तो जो गैस होती है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन लेती है, और ये प्रेशर मैच करता है उसके हवा के प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक तक, यानी उस तब तक वो बराबर नहीं हो जाता। अज्यूम करते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है गैमा, वो आपके पास 4/3 की रेशियो पे है। इनिशियल टेम्परेचर 5 सेल्सियस का है। वो कहता है टेम्परेचर एट द एंड ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन बताओ, तो पीवी गैमा कॉन्स्टेंट होता है, तो हम जानते हैं इनका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा। अब जो वॉल्यूम है वो पूरे न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया, तो हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, वॉल्यूम यहाँ पे टेम्परेचर ओवर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने जहां जहां वॉल्यूम आया वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर से रिप्लेसमेंट कर दी। अब प्रेशर को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रेशर की पावर यहाँ पे गैमा है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 - गैमा हो जाएगी। इसी तरह से फाइनल प्रेशर के साथ भी यही मामला होगा। हमसे मांग क्या रहा है, फाइनल टेम्परेचर मांग रहा है, तो TF गैमा हम साइड पे कर लेंगे, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ कर लेंगे। इनकी पावरें इकट्ठी हैं तो एक जैसी पावरें कर ली, TI गैमा। अब यहाँ पे TF के ऊपर भी गैमा है जो मुझे खत्म करना है, तो मैं 1/गैमा से पूरे लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर देता हूँ पावर से। तो वो जब इसके भी गैमा खत्म हो जाएगी, इसकी पावर भी गैमा खत्म हो जाएगी, इसके नीचे गैमा आ जाएगी। तो हमारे पास 5 सेल्सियस इनिशियल है, तो 278 केल्विन हो जाएगा। अब हमें शुरू का प्रेशर भी पता है, फाइनल प्रेशर भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, गैमा की वैल्यू भी पता है। सारी वैल्यूज को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 186 केल्विन आ जाएगा, जो -87 सेल्सियस बनेगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।